नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है वो देख रहे हैं, पूरी तरह से पत्थर वाला है और यहाँ से बाइक लेके गुजरना, जीप लेके गुजरना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी बाइक के ऊपर से जा रहा था लेकिन मुझे उतरना पड़ा। और अभी वो आप सामने ढलान देख रहे हैं, और ये जो पूरा रास्ता है वो करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का है। और मैं बता दूं कि मैं उदयपुर ज़िले की कोटड़ा तहसील के महाद पंचायत से आगे दोतर नाम का एक गांव आता है, और दोतर से ये जो रास्ता है वो जेर की ओर जाता है। और जेर जो है वो पंचायत है, या शायद बेड़ादर पंचायत का एक गांव है, बेड़ादर पंचायत का एक गांव है। तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है, और जेर गांव में लोगों की संख्या तो होगी ही, स्कूल भी है सब कुछ है, और पूरा पंचायत। तो आप देख सकते हैं रास्ता किस तरीके से है। और जितनी जानकारी मुझे पहले मिली थी इस रास्ते के बारे में, तो वन विभाग क्षेत्र में आने की वजह से NOC नहीं मिल रही और इसलिए रास्ता नहीं बन रहा है। तो उस पार लोग रहते हैं, लोगों को कितनी सारी परेशानी होती होगी, बीमार जब होते होंगे, इमरजेंसी केस में डिलीवरी केसेस होता होगा, तो शायद किसी की मृत्यु हुई भी होगी और होने की संभावना भी है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और उन जिम्मेवार अधिकारियों तक, ताकि उन्हें पता चले और इस रास्ते को ठीक करने के प्रयास किए जा सके। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। और दोस्तों, पैदल चलना तो ठीक है अगर सीधा रास्ता हो तो, मैं खुद भी चलते चलते थक जा रहा हूँ। तो अब यहाँ के लोगों को तो रोजाना गुजरना पड़ता होगा। शायद जीर तो एक गांव है, और वहाँ से लेकर उन्हें कहीं बाहर सामान खरीदने भी जाना पड़ता होगा, तो कितनी सारी परेशानी होती होगी। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप उन लोगों तक ज़रूर भेजने की कोशिश करें जिसका ये काम है कि यहाँ सड़क बननी होती है। तो इसी के साथ फिर मिलूँगा किसी और जानकारी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।